तारीख 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। जगह राजस्थान का अजमेर। देर रात तकरीबन 1:11 पर एटीएम के बाहर कुछ लोग मंडराते नजर आते हैं। तभी चंद मिनट बाद यानी ठीक 1:22 पर मुंह पर कपड़े बांधा एक शख्स एटीएम के अंदर आ जाता है। थोड़ी देर तक तो वो कुछ सोचता समझता है, फिर यहाँ वहाँ निहारने के बाद वो शायद कैमरे को ढकने की कोशिश करता है। हालांकि उसके हाथ में कोई हथियार भी दिखाई दे रहा, जिससे वो कैमरे से छेड़खानी करते नजर आता है। जल्द ही वो एटीएम मशीन के पास आ जाता है और अब वो जूते सहित मशीन पर चढ़ जाता है। इसके बाद युवक एटीएम मशीन पर बैठ जाता है, लेकिन इस दरमियान उसका सिर्फ पैर ही नजर आ रहा है। फिर जल्द ही युवक एटीएम मशीन से नीचे उतर जाता है और नजर ही नहीं आता। लेकिन ठीक 1:24 पर फिर एटीएम का दरवाजा खुलता है और अब एक नहीं बल्कि दो लोग अंदर आते दिखाई देते हैं। दोनों आपस में कुछ विचार करते हैं, इसके बाद कुछ लाने के लिए फिर एटीएम से बाहर चले जाते हैं। इस बार जब वो दोनों अंदर आते हैं तो हुडी पहने शख्स के हाथ में कुछ रॉड सा दिखाई देता है। तभी एक बार फिर वो युवक एटीएम मशीन पर चढ़ जाता है। अब 1:25 पर एटीएम के अंदर दो नहीं बल्कि तीन लोग नजर आने लगते हैं, जैसे इन सभी ने कोई प्लान किया हो और उसी को अंजाम देने के लिए एटीएम के अंदर जद्दोजहद कर रहे हो। अब ये सभी मिलकर एटीएम मशीन के पार्ट्स को अलग अलग करने लगते हैं, साथ ही एटीएम के अंदर की जगह से छिड़खानी करने लगते हैं। कभी कुछ उखाड़ते हैं तो कभी कैमरे को ही पेचकस से मारते दिखाई दे रहे हैं। कोई लकड़ी तो कोई हथियार लिए एटीएम मशीन को हिलाने की कोशिश करने लगता है। तभी 1:26 पर ये लोग एटीएम के अंदर एक जंजीर लिए घुसते दिखाई देते हैं। बकायदा जंजीर से एटीएम मशीन को बांधते हैं। चारों तरफ से बांधने के बाद ये मशीन को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई तार फंस जाता है, जिससे ये लोग उस तार को काटने के बाद मशीन ही चुरा ले जाते हैं। देखिए, जो अराई क्षेत्र और रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में दो जगह एटीएम लूट की वारदात हुई है। दोनों का तरीका ये वारदात सेम है और ये लोग एक पिकअप नुमा गाड़ी को चैन से बांध के चैन पुल करके उसको एटीएम को उड़ के ये वारदातें की हैं। लगता है संभवतः एक ही प्रकार के लोग हैं और एक ही गैंग का काम है। कुछ हमने इस बारे में इनपुट भी मिले हैं और उन्हीं इनपुट के आधार पर हमने एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया है। जल्दी इस बारे में कोई सफलता मिलने की संभावना है। बैंक ऑफ बड़ौदा का था और एक SBI का था। अभी उस गैंग के बारे में भी मालूम किया है, वो लोग भी बेल आउट हैं, इसलिए संभवतः हो सकता है कि उनका भी कोई हाथ हो। तो हम सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं, अभी अनुसंधान जारी है। अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी अनुसंधान चल रहा है और जिस तरह से जो चीज़ सामने आएगी आपके आगे रखेंगे। किस तरफ कहाँ के हैं? टेक्निकल एविडेंस जितनी भी हैं उनके आधार पे हमने जो टीम गठित की है वो उसी आधार को उसी को बेस बनाते हुए अपना अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं। अमाउंट लगभग दोनों एटीएम से कितना लगभग निकला? एक में 8.5 लाख है और एक में 30 लाख के ऊपर राशि बताई जा रही है। ठीक है।